मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपात्तमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीमन्मदनगोपालं वृंदारण्यपुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनयनाशियं सुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नवं गोपीकुमारं। आज प्रातःकाल अंत में दो बात कही गई थी, अपने जीवन की सच्ची चाह हो और विश्वास पूर्वक भगवत प्रार्थना हो तो अनायास निश्चय ही वो चाह पूरी होती है। जिस चीज की चाह होती है ना अत्यंत, उसका स्मरण अपने आप होता है। सवेरे प्रश्न आया था कि भगवान का स्मरण निरंतर कैसे हो, एक प्रश्न था, अब भी वही शायद है कि सब कुछ प्रियतम के रूप में कैसे दिखे। तो स्मरण होने की बात पहले, जिस चीज की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिसके बिना काम नहीं चलता, जो जीवन की चाह होती है, उसका स्मरण करना नहीं पड़ता। उसका स्मरण अपने आप स्वाभाविक होता है, हुए बिना रहता नहीं, छोड़ने की इच्छा करने पर भी नहीं छूटता, क्योंकि वो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। वो जीवन की इस प्रकार की चाह है जिसके पूरी हुए बिना बेचैनी रहती है, चैन नहीं पड़ता। ये आवश्यकता बहुत ज्यादा न हो, थोड़ी भी हो, तब भी आवश्यक कार्य न होने पर दुख होता है। ये भगवत स्मरण का एक स्वरूप बताया नारद जी ने, तद विस्मरण ए परम व्याकुलता। ये सूत्र है नारद जी का, भगवान का स्मरण हो, वो स्मरण किस प्रकार का होना चाहिए, तो बताते हैं कि जिसके विस्मरण से, जिसके जरा सा भूल जाने से परम व्याकुलता, व्याकुलता ही नहीं परम व्याकुलता। जैसे किसी मछली को जल से निकाल लिया जाए और वो जैसे तड़फड़ाती है, व्याकुल होती है, तो उसकी परम व्याकुलता। जैसे हमारा श्वास रुकने लगे, दम घुटने लगे, उस समय जैसी व्याकुलता होती है, उसका नाम है परम व्याकुलता। तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ये स्मरण का रूप बताया नारद जी ने कि अखिल आचारिता, सब कुछ
उनके अर्पण हो गया, अपने पास रह गई केवल उनकी स्मृति संपत्ति, उनकी स्मृति रूपी धन ये अपने पास बचा, ये परम संपत्ति। तो इस स्मृति का कभी किसी कारण से थोड़े समय के लिए भी यदि सांसा टूट जाए तो तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ऐसी व्याकुलता हो जाए कि उसे लोग देख न सके, मने देखने वाले घबरा जाएं, इस प्रकार की व्याकुलता को कहते हैं परम व्याकुलता। तो क्या व्याकुलता होने पर भूल हो सकती है? तो व्याकुलता ही तो याद है, जिसके लिए व्याकुल हो चित्त उसकी स्मृति तो व्याकुल करती है, विस्मृति में स्मृति है। इसीलिए ये प्रेम के राज्य में वियोग में नित्य प्राप्ति है, वियोग के अंदर नित्य भगवान की प्राप्ति है, वियोग में अभाव नहीं। ये बहुत समझने की चीज है कि जिस वियोग में अभाव होता है वो वियोग भगवान का वियोग नहीं है। सांसारिक वस्तुओं के वियोग में अभाव की प्रतीति होती है और भगवान के वियोग में अभाव की प्रतीति नहीं होती, भगवान स्मृति के द्वारा हृदय में आकर बैठ जाते हैं। तो भगवान का वियोग भगवान का अभाव नहीं करता, परंतु जहां अभाव की कल्पना है वहां इस प्रकार की बेचैनी है, इस प्रकार का परम व्याकुल भाव है कि उसकी छटपटाहट को देखकर, उसकी तड़पन को देखकर देखने वाले लोग व्याकुल हो जाते हैं, उनके मन में करुणा उत्पन्न हो जाती है कि क्या हो गया, उद्धव लौट करके आए और राधा की दशा देख करके आए। चित दे सुनो श्याम प्रवीण, चित दे सुनो श्याम प्रवीण, श्याम तुमरे बिरह राधा, मैं जो देखी छीन, चित दे सुनो श्याम प्रवीण। उद्धव रोने लगे। ये विभिन्न भाव हैं, उद्धव ये भाव भी देख करके आए कि राधा से राधा नाथ का वियोग कभी हुआ ही नहीं और है ही नहीं। राधा ने ये भी बतलाया कि तुम समझते हो कि श्याम सुंदर चले गए यहां से, वो तो नित्य यहीं पर है। और राधा के वियोग की लीला को भी देखा तो आकर रोने लगे उद्धव जी और उलाहना देने लगे श्याम सुंदर को कि तुम बड़े निठुर हो। इस प्रकार उन बिलबिलाते हुए जीवों को छोड़कर, उन रोते हुए प्रेमियों को छोड़कर तुम चले आए, तुम्हें दया नहीं हुई मन में, मैं देख के आया वो राधा के अंगुलियों की मुंदड़ी उसके बाह में आने लगी है, इतनी छीन हो गई है वो, परम व्याकुलता। वियोग में विस्मृति में परम व्याकुलता हो जो देखी न जा सके, ये ऊंची स्थिति। लेकिन जहां आवश्यकता होती है वहां वस्तु के न होने पर दुख होता है, भजन नहीं होता। भजन नहीं होने पर चित्त दुखी होता है क्या? बल्कि हम तो यूं सोचते हैं अपने मन में कि जरूरी काम हो गया तो माला को जरूरी थोड़ी है, कल फेर लेंगे।
जरूरी काम पहले करना है। आजकल बेजरूरी दो काम। एक तो भजन बेजरूरी काम, बोले भाई समय नहीं मिलता, काम बहुत ज्यादा, फुर्सत नहीं मिलती, काम सब संभालना चाहिए, संभालना पड़ता ही है, तो क्या करें। बोले भजन वजन कम कर दो, और तो कोई चीज कम होती नहीं, सब जरूरी काम, उनके बिना किए तो चलता नहीं। ये बेजरूरी फालतू काम है, हुआ तो हुआ, न हुआ तो न हुआ, कोई बात नहीं, कोई देना थोड़ी किया हुआ है, न सही भजन। और यदि खर्च बढ़ जाता है बहुत, तो बोले क्या खर्च बढ़ाऊंगा, आमदनी रही नहीं, और खर्च तो घटता नहीं कोई, धर्मादा बंद कर दो, ये फालतू काम। तो फालतू काम के न होने पर कौन बेचैन होता है, पर जरूरी काम हो तो बेचैनी होती है। तो भगवान की आवश्यकता मन में जाग जा, भगवान के स्मरण की आवश्यकता मन में जाग जा, तो जरा सा विस्मरण भी अपने को ऐसा मालूम देगा मानो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी हानि हो गई। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, ये कहते हैं शास्त्रकार, विपदो नैव विपद संपदो नैव संपत, ये संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं और संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं। विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान का विस्मरण हो गया, भगवान को भूल गए, ये सबसे बड़ी विपत्ति आ गई। तो संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान नारायण की स्मृति हुई, भगवान याद रहे तो सारी संपत्ति मिल गई। परम संपत्ति, परम सौभाग्य, परम पुण्य, परम बुद्धिमत्ता, ये सारी के सारी भगवान के स्मरण में है। और जहाँ भगवत स्मरण का अभाव, वही विपत्ति, वही दुर्भाग्य, वही दुख, वही पाप, वही विपत्ति, वही मूर्खता। तो भगवान का स्मरण यदि इस भाव से कोई करे तो भूल जाने पर बेचैनी होती, भूलता है आदमी। हम किसी प्यारी वस्तु को कहीं रख करके भूल गए, बड़ी जरूरी चीज है और रख दी, कहीं भूल गए, अब नहीं मिलती तो बेचैनी होती है। तो जिस वस्तु का हमें अत्यंत प्रयोजन है, जो वस्तु हमें अत्यंत प्रिय है, तो जो वस्तु हमें अत्यंत आवश्यक है, उस वस्तु का स्मरण करना नहीं पड़ता। स्मरण भूल जाने पर दुख होता है, बेचैनी होती है, पाप का बोध होता है। सूरदास कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकानी, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हराम। सूरदास के शरीखे महात्मा, जिनकी आंखों के सामने श्याम सुंदर नाचते रहते, किसी दिन कल्पना कर लीजिए कि जरा सी विस्मृति हुई, ये मैंने शायद उस दिन कहा था, 1920-21 की बात है, गांधी जी को एक सज्जन ने पत्र लिखा, मैं उस समय बंबई था, पत्र लिखा कि सूरदास और तुलसीदास ये अपने को पापी कहते हैं और बहुत बड़ा पापी कहते हैं कि हमारे समान कोई पापी है ही नहीं, तो वो यदि पापी थे तो फिर हम क्या हैं। तो गांधी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा भाई उनके पाप नापने की गज दूसरी थी और हमारी दूसरी है, वे बहुत छोटे पाप को, बहुत छोटी भूल को बड़ा अपराध मानते, और हम बड़े से बड़े पाप को पाप तो मानते ही नहीं, कहीं पुण्य भी मान लेते हैं कि हम बुद्धिमत्ता मान लेते हैं। तो वो कहते हैं वो अपने पाप का, सूरदास जी संकेत कर देते हैं, जिन तनु दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, अरे हम भूल गए, क्षण भर के लिए कभी भूले होंगे,
कहीं विस्मृति आई होगी तो अपने को महापापी मोसन कौन, कुटिल खल कामी, दुष्ट मेरे समान कौन, कुटिल मेरे समान कौन, पापी मेरे समान कौन, क्यों कि मैं भगवान को भूल गया। तो भगवान की विस्मृति में जब बेचैनी होने लगेगी तब भगवान संपत्ति होंगे आपकी। अभी तो भगवान व्यर्थ की चीज है। फुर्सत हुई आपको भगवान पर कृपा की आपने, तो कभी उनका स्मरण कर लिया, उनका एहसान, देखो हमने तुम्हारा स्मरण किया, याद रखना, भला तुम्हें बदला उतारना है इसका। स्मरण करने के साथ ही और स्मरण करने के पहले भी हम तो कह देते हैं कि भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान फल देंगे, वो भूल तो हो रही है, पर एक कान एक देते हैं कि पहले से व्यापारी हिसाब किताब कर करा करके और फिर हम भगवान का स्मरण भगवान पर कृपा पूर्वक करते हैं, तो ये स्मरण स्मरण हो रही है। भगवान का स्मरण वास्तविक वो है जो स्मरण श्वास की भांति हो, सहज श्वास हम लेते हैं सहज, पर रुक जाने पर बेचैनी होती है। किसी को उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम श्वास लिया करो, और वो श्वास लेने वाला ये नहीं कहता कि भाई कितनी संख्या में लें, कितनी संख्या में जाप करें, और इतनी देर होगी श्वास लेते तो जरा बंद कर दें। ये कोई श्वास लेने वाला कहता है कहीं बंद हो जाए तो व्याकुल हो जाए, बंद हो जाए तो मरने लगे। इस प्रकार से श्वास की भांति भगवान की स्मृति जहां होती वहां तो भूली नहीं जाती। ये तो है ऊंची स्मृति, पर नीचे में भी भगवान की स्मृति को आवश्यक वस्तु माने, कम से कम संसार के भोग जितना तो उसको आदर दे, भोग के लिए तो उसको मैं भूले, जितनी देर भोग को याद रखे उतनी तो उसको याद रखे, उतना भी आदर नहीं, उतनी भी कदर नहीं, उतनी भी आवश्यकता नहीं, तो फिर हम कैसे कहें कि हमको स्मरण नहीं होता, हम तो करना चाहते हैं। जीवन की चाह बननी चाहिए भगवान का स्मरण, तो स्मरण अपने आप हो। स्मरण होने में आवश्यकता है स्मरण की चाह, स्मरण की चाह केवल मौखिक न हो, उस स्मरण की चाह माने जीवन की चाह। मौखिक चाह होती है, लोग दिखावे की चाह भी होती है, बड़ाई पाने की चाह भी होती है, फल पाने की चाह भी होती है, और कुटिल चाह तामस चाह भी होती है। तो जीवन की चाह जो होती है वो आत्मस्वरूप होती है, उसकी विस्मृति से जीवन व्याकुल हो जाता है। तो भगवान के लिए जीवन की चाह जाग उठे तब भगवान का स्मरण अपने आप होगा, स्मरण करना नहीं पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, सब जगह भगवान के दर्शन कैसे, वैसे कुछ लिखा है, सब कुछ प्रियतम के रूप में कैसे दिखे। सबसे पहली बात तो यह है, इसमें दो तरह दो आवश्यकता है, भगवान को प्रियतम समझें, पहली बात तो ये। अभी तो हमारे भोग प्रियतम हैं, भोगों के लिए हम भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान प्रियतम कहाँ हैं? भगवान को प्रियतम माने पहली चीज, और दूसरी चीज उन प्रियतम को देखे बिना आंख बेचैन रहे, ये दूसरी चीज। तो वो प्रियतम ऐसे हैं कि जिसकी आंख उनको देखने के लिए प्रियतम भाव से बेचैन रहती हैं, उसके सामने से वो हट नहीं सकते, उसको वो स्वयं देखना चाहते। ये सिद्धांत नहीं, ये महापुरुषों का, बड़े बड़े संतों का, प्रेमी जनों का अनुभव है कि जिसकी आंख भगवान को देखने के लिए व्याकुल,
भगवान के आंख उसको देखने के लिए जाते, ये तो सहज संबंध है, पर प्रेम में तो इससे आगे की चीज। प्रेम में तो भगवान बदला दे नहीं सकते, ये था माम प्रपद्यन्ते सांसतेव भजाम्यहम्, ये भगवान का मंत्र प्रेम राज्यम से पीछे रह जाता है। माँ तो नपारिये हम गर्भ संजुजान, श्री गोपांगनाओं से कहते हैं भगवान कि देवताओं की आयु में भी तुम्हारा ऋण हम नहीं उतार सकते देवियों। वहां तो बदला दे नहीं सकते, लेकिन जहां बदला देने योग्य स्थिति है वहां बदला वो न दे, ये बन नहीं सकता। पर हमारी चाह तो होनी चाहिए, हमारी आंख तो जगत को देखना चाहती है, हमारी आंख जगत के भोगों को देखना चाहती है, हमारी आंख अपनी तृप्ति चाहती है, आंख का असली फल नहीं चाहते। अक्षणवतां फलमिदं, ये श्रीमद् भागवत में आया कि आंख वालों की आंख का फल तो है श्याम सुंदर का दर्शन, नहीं तो ये आंखें आंखें बस किसी काम के नहीं। भर भर मुठी मेरी ये तीन आंखें में धूर, जो आंखें भगवान को नहीं देखना चाहती उन आंखों में तो मुट्ठी भर भर कर धूल छोड़नी चाहिए, फूट जाए। ये फाटहु फूटहु नयन, जरहु सो तन कही काम, द्रवई स्रवई फूल कही नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भगवान का स्मरण करके जिसका हृदय द्रवित न हो पिघल न जाए, वो हृदय फट जाए। जिन आंखों में भगवान की स्मृति से ही प्रेम के आंसू न बहने लगे शीतल, वो आंखें फूट जाए। और भगवान के मधुर स्मरण से जिसका शरीर रोमांचित न हो जाए, वो शरीर जल जाए। ये फाटहु फूटहु नयन, जलज सुतन कही काम, द्रवई स्रवई पुल कही नहीं, तुलसी सुमिरत राम। तो भगवान को सर्वत्र प्रियतम रूप से देखने का साधन है भगवान को प्रियतम मानना। प्रिय प्रियतर प्रियतम ये भेद होते हैं, एक चीज प्यारी, एक चीज प्यारी में प्यारी, और एक चीज सबसे अधिक प्यारी। प्रियतम का अर्थ है सबसे अधिक जो प्रिय हो वो, तो सबसे अधिक प्रिय होने पर जितने और प्रिय पदार्थ हैं वो गौण हो जाते हैं, वो न मिले वो मिलना चाहिए। जो प्रियतम है उसके न मिलने पर प्रियतर और प्रिय पदार्थ की आवश्यकता नहीं, कहीं ये मिले और वो जाता हो तो ये न मिले वो मिलना चाहिए। और ये प्रियतमता जब आगे बढ़ जाती है तो वो फिर प्रियतम नहीं रहता, वो तो अनन्य जीवन हो जाता है। श्याम सुंदर उस प्रेमी के जीवन है, केवल प्रियतम ही नहीं है उसके जीवन है, उसके जीवन आधार है, प्राण प्राण है। तो वो सर्वत्र दिखते, आंखें नित्य उनको देखती है, कान नित्य उनके शब्द श्रवण करते हैं, जिह्वा निरंतर उनका रसामृत पान करती है, अंग नित्य उनका दिव्य स्पर्श प्राप्त करते हैं, और नासिका नित्य नित्य उनके अंग सुगंध को प्राप्त करती रहती है। यदि इन इंद्रियों में ये चाहो तो, ये एक और बड़ी विलक्षण और बड़ी सच्ची आश्चर्यप्रद बात है कि जगत के जिन विषयों को इंद्रियां चाहती हैं वो चाहने पर नहीं मिलते, उसके अनुसार पहले के कर्म बने हुए हों तो मिलते हैं। और भगवान को यदि चाहें और वो चाहे यदि जीवन की सच्ची हो तो भगवान मिल जाते,
क्यों मिल जाते हैं कि भगवान है, क्यों मिल जाते हैं कि भगवान कर्म के फल नहीं है, चाह के फल हैं। ये बड़ी विलक्षण बात, धन मिलना दुर्लभ है, यदि कर्म न हो तो भगवान मिलने सहज है, क्योंकि वो कर्म के फल नहीं। पर हम तो इतने अभागे हैं कि जो वस्तु चाह से नहीं मिलती उसके लिए तो रात दिन रोते फिरते हैं कि ये वस्तु मिले और रह जाए, और जो वस्तु चाह करने पर मिल जाती है उसकी ओर हम मुंह मोड़े हुए हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो भगवान को प्रियतम रूप से सर्वत्र देखना हो तो भगवान में प्रियतम भाव करो, ये सबसे पहली बात। भगवान ही प्रियतम, उसके सिवा कुछ भी प्यारा नहीं। जो भगवान के अनुकूल हो, जो उस प्रियतम की सेवा के लिए रहे वो तो रहे, और नहीं तो कठिन बात है महाराज। इसका उल्टा अर्थ लोग ले लें इसलिए कहने में डर तो लगता है, क्योंकि उल्टा अर्थ तो सहज में देते हैं। तुलसीदास कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए काहि कोटि बरी समय, यद्यपि परम स्नेही जाके हे प्रिय न राम वैदेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बनितन, भय जग मंगलकारी जाके प्रिय न राम वैदेही। इसको सुन करके बोले, आज से हमने माँ बाप को छोड़ दिया और आज से गुरु को छोड़ दिया, और देवियां कह देगी आज से हमने पतियों को छोड़ दिया। इसका तात्पर्य ये नहीं है, तात्पर्य इसका दूसरा है। बड़ी सुंदर ऊंची बात, अपने पर ले लो इसको। हम अगर किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी की पत्नी हैं, और हम यदि अपने उन संबंधियों को भगवान में न लगाकर नरकों में ले जाने वाले भोगों में लगाते हैं तो हम उनके बैरी हो गए।